नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर वी कायत ने प्रेस वार्ता की। डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड कोर्स की मान्यता को लेकर के दिया स्पष्टीकरण। बोले, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, मान्यता को लेकर के विरोध बेमानी है, बोले कायत। काफी विश्वविद्यालयों में कई कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं है। एमपीएड की मान्यता एनसीटी से। कई पाठ्यक्रमों को लेकर के लोकसभा में बिल हो चुका है पारित। नौकरियों को लेकर के दुष्प्रचार किया जा रहा है। दो बीपीएड विद्यार्थियों को दिल्ली आवास बोर्ड में टीजीटी के पद पर नियुक्ति मिली। साजिश के तहत मुझे टारगेट किया जा रहा है, प्रोफेसर कायत बोले। सुरक्षा एजेंसी को सुधार की हिदायत दी गई है, बोले। कई और लोग आपराधिक गतिविधियों में फंसे हैं, वो ही करते हैं ये षड्यंत्र। अंदर के लोगों के साथ बाहर के लोग मिलकर माहौल खराब करते हैं। बिगड़ने नहीं दिया जाएगा विश्वविद्यालय का माहौल। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वी कायत ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीपीएड, डीपीएड एवं एमपीएड कोर्सों को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय के सभी कोर्सों को पूरी मान्यता है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कल घोषित किए गए टीजीटी के परिणामों में विश्वविद्यालय के दो बीपीएड विद्यार्थियों को टीजीटी के पद पर नियुक्ति मिली है। कैंप कार्यालय में पत्रकारों से संबोधित करते हुए प्रोफेसर कायत ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुछ स्टाफ सदस्य बाहर के लोगों के साथ मिलकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर विश्वविद्यालय का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने जोड़ा कि यूजीसी की ओर से विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो कोर्स चल रहे हैं उनमें से काफी कोर्सों को मान्यता नहीं है। इनसे संबंधित बिल मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से लोकसभा में रखा गया था, जिसे पारित कर दिया गया है। अब यह बिल राज्यसभा में रखा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में इन सभी कोर्सों को विधिवत मान्यता मिल जाएगी। अकेले चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालयों में भी कई कोर्सों को मान्यता विधि मान्य ढंग से नहीं है। अब देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। हेड इन द डिपार्टमेंट देयरफॉर यू मस्ट हैव रेलेवेंट एंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सभी को गुड मॉर्निंग। आई थिंक इट हैज बिकम गुड आफ्टरनून। सॉरी, गुड आफ्टरनून। ऑर्डिनरी सर्विस सिलेक्शन को मैडम को करेंगे तो बता देना सर, कुछ लोग जानते हैं ना हुई मैम। लेट मी जस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू द रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। उसने खुद एडमिट किया कि मेरी मैरिट मैडम इनसे लो थी। इट इज पॉसिबल कि अगर इनमें से कोई जॉइनिंग नहीं की तो मेरे को जॉइनिंग मिल। हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि पिछले कई दिनों से हमारे विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन से बीपीएड, डीपीएड और एमपीएड जो कोर्सेज हम लोग रन कर रहे हैं उस पर कुछ विद्यार्थियों के द्वारा, विद्यार्थी नेताओं के द्वारा और कुछ आउटसाइडर्स के द्वारा कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन से उन्होंने माहौल कुछ ऐसा बनाया है जो कि यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एनवायरनमेंट को लेकर के, यूनिवर्सिटी के रिसर्च एनवायरनमेंट को लेकर के बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, कई तरह के इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में खड़े किए जा रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर जो हैं मैडम, आजकल एडीसी को चार्ज दिया है सिरसा में, डीसी मैडम को,
उनसे भी मिले हैं, मैंने ही इनसे बात करके वहाँ, और मैंने एसपी से भी बात की थी सिक्योरिटी के लिए, और सीटीएम साहब कल आए थे, डिप्टी कमिश्नर महोदया ने सीटीएम को यहाँ भेजा था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड सारा लेके गए हैं, और हम जो है उनसे बात की है, हम लिख के दे रहे हैं उनको कि ऐसे ऐसे घटना हो रही है यहाँ निरंतर, कुछ ऐसे शरारती लोग हैं, इनके खिलाफ एक्शन के लिए भी हम लिख रहे हैं, और हम अपने लेवल पर भी, यूनिवर्सिटी प्रशासन के लेवल पर भी जो डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो हमारे अंदर के हैं, हम उनके खिलाफ वो एक्शन भी लेंगे, और गवर्नमेंट को भी हम लोग लिख रहे हैं कि इस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर एक रक्षक का माहौल, एक डिसिप्लिन का माहौल ये खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, इनकी पहचान जरूरी है, और इनको जो भी रेलेवेंट क्लॉज और लीगल प्रोसेस के अंदर जो इनको पनिशमेंट मिलती है वो भी हम लिखने के लिए, करवाने के लिए लिखने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, मैं एसपी साहब को कहूँगा कि भाई वो इस पर सीरियसली संज्ञान लें, और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे खतरा है, और ये फिर दोबारा फिर एपिसोड हुआ है, तो एसपी साहब को मुझे लगता है कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और सिक्योरिटी तो जैसे ही यूनिवर्सिटी बनी है, हमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रीजनल सेंटर से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया था, तो उस समय फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीपीएड का एक कोर्स हमें विरासत में मिला था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उसके बाद से इसे डीपीएड में कन्वर्ट किया गया, बाद में बीपीएड का कोर्स चलाया गया यहाँ पे, और एमपीएड का कोर्स चलाया गया। हमारी यूनिवर्सिटी में एमपीएड का कोर्स जो है ना एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, बीपीएड और सीपीएड जो बाद में डीपीएड बना वो कोर्सेस एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह विषय या यह इशू केवल सीडीएलयू का नहीं है, देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेस मान्यता प्राप्त एनसीटी से नहीं है, क्योंकि एनसीटी ही 1993 में अस्तित्व में आई है, उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ अपने कोर्सेज चलाती थी, रन करती थी, और यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से रिकग्नाइज्ड होती है वो उसे अपने कोर्सेज चलाने की परमिशन होती है, तो उसी संदर्भ में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से और बाद में हमने अपनी यूनिवर्सिटी से ये कोर्सेज चलाए। अब क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भारत सरकार ने इसको वन गो में करने के लिए पार्लियामेंट में बिल लेकर आए हैं, और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस पर अपनी स्टेटमेंट्स भी दी थी, और इसे वन गो में करने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ के इन कोर्सेज को रिट्रोस्पेक्टिवली मान्यता देने के लिए बिल लोकसभा में यूनानिमसली पारित कर दिया है, और ये राज्यसभा में होना बाकी है। राज्यसभा में होने के तुरंत बाद ये सभी यूनिवर्सिटीज़ पे रिट्रोस्पेक्टिवली पीछे से ये मान्यता प्राप्त हो जाएगा। मैं और भी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले ही एमपीएड की मान्यता ली हुई है एनसीटी से, और बीपीएड और डीपीएड की मान्यता का प्रोसेस प्रक्रिया हमारी एनसीटी के साथ चल रही है, और सब पीछे से इसके लिए एनसीटी की टीम ने यूनिवर्सिटी को विजिट भी किया था, और विजिट करने के बाद कुछ डिस्क्रिपेंसीज उसमें पॉइंट आउट की थी, वो डिस्क्रिपेंसीज दूर करते हुए, रिमूव करते हुए हमने उनके सामने फिर से हम लोग अपील में जा रहे हैं, और वहाँ भी हमें ब्लैंकेट अप्रूवल मिल जाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और ऐसा हमें मिलने वाला है। जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज की मान्यता को लेकर के, उनकी नौकरियों को लेकर के कुछ भ्रम खड़े किए जा रहे हैं कुछ विद्यार्थी नेताओं द्वारा, छात्र नेताओं द्वारा और आउटसाइडर्स के द्वारा, उस पर मैं कहना चाहूँगा वो सारी झूठ है, झूठ पर आधारित बयान इस तरह से वो देते हैं, और विद्यार्थियों को, यहाँ के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, माता पिताओं को और समाज को वो भ्रम। हमारी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बीपीएड के बेस पर पहले भी नौकरी लगती रही हैं, चाहे भारत सरकार में या पंजाब में या दूसरे राज्यों में और दिल्ली के अंदर भी, और अभी रिसेंटली कल ही ये दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का रिजल्ट आया है। रिजल्ट इसमें पहले आ गया था, अपॉइंटमेंट और लेटर हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के पहले आ गए थे, और कल उन्हें इनकी पोस्टिंग दी गई है। ये मैं आपको जो है इसकी कॉपी सबको सर्कुलेट करने वाला हूँ। इसमें हमारे दो स्टूडेंट्स, इसमें सीरियल नंबर 23 पे गगनदीप कौर और नवीन कुमार
एट द सीरियल नंबर 49 पे ये बच्चे हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिन्होंने बीपीएड किया है यहाँ से, और ये टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है इनका, ट्रेन ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये सिलेक्शन हुआ है, और ये बीपीएड के बेस पर हुआ है, ये प्रमाण के तौर पर मैं आपको अभी सर्कुलेट करूँगा। तो इस तरह से जो लोग ये इल्यूजन कई दिन से फैला रहे थे कि हमारे कोर्सेज के बेस पर नौकरी नहीं लग रही है, हमने उन्हें कहा था कि आप एक भी लेटर ऐसा रिजेक्शन का हमें दिखाओ, हमने उनसे बार बार कहा कि दिखाइए ऐसा कोई लेटर, तो वो कोई ऐसा लेटर हमें प्रोड्यूस या सबमिट नहीं कर सके। और ये रात को ही, कल जैसे ही ये पोस्टिंग के ऑर्डर्स दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने जारी किए हैं, उसी के साथ हमें ये लगा कि भाई हमें आपको, समाज को, जनता को, सबको प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन तथ्यों से अवगत कराना चाहिए, सच्चाई से अवगत कराना चाहिए।